गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में वैदिक सभ्यता के प्रमुख ग्रंथों के बारे में छात्रगण हम लोगों ने अध्ययन किया था। साथ ही साथ हम लोगों ने मनुष्य के पुरुषार्थ 16 प्रकार के संस्कार के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे छात्रगण त्रिऋण के बारे में। त्रिऋण लिखेंगे छात्रगण, मनुष्य को अपने गृहस्थ आश्रम में तीन ऋणों से मुक्ति पानी आवश्यक है, नंबर एक ऋषि ऋण, लिखे। नंबर दो पुत्र ऋण, नंबर तीन देव ऋण, ऋषि ऋण, पुत्र ऋण, देव ऋण। नेक्स्ट लिखिएगा छात्रगण, विवाह संस्कार, संस्कार लिखे। विवाह की दो पद्धतियां प्रचलित थी, नंबर एक अनुलोम विवाह, लिखे। उच्च वर्ग का व्यक्ति यदि निम्न कुल की कन्या के साथ विवाह करता था तो इसे अनुलोम विवाह कहते थे, जैसे ब्राह्मण वर्ण का पुरुष का शूद्र कन्या के साथ विवाह करना, नंबर दो प्रतिलोम विवाह, यह था अनुलोम छात्रगण, अब आइएगा प्रतिलोम, विवाह लिखेंगे। उच्च वर्ण की कन्या का, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ किया गया विवाह प्रतिलोम विवाह, कहलाता था, विवाह कहलाता था।
जैसे ब्राह्मण कन्या का शूद्र पुरुष के साथ, ब्राह्मण कन्या का शूद्र पुरुष के साथ किया गया विवाह। नेक्स्ट हेडिंग बनेगा विवाह के प्रकार। लिखेंगे छतगन, अच्छे प्रकार के विवाह, अच्छे प्रकार के विवाह या प्रशंसनीय विवाह, अच्छे प्रकार के विवाह या प्रशंसनीय विवाह। नंबर दो लिखेंगे बुरे प्रकार के विवाह या निंदनीय विवाह। अब हेडिंग बनाएगा छतगन, अच्छे प्रकार के विवाह। लिखे ये चार प्रकार के थे, ये चार प्रकार के थे, प्रकार के थे थे। नंबर एक ब्रह्म विवाह। लिखे इस विवाह के तहत अपने ही जाति में किया गया विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था। नेक्स्ट दैव विवाह। लिखे यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ किया गया विवाह दैव विवाह कहलाता था। नेक्स्ट आर्ष विवाह। लिखे कन्या के पिता को वर पक्ष के द्वारा एक जोड़ी गाय या बैल देना एवं विवाह की स्वीकृति प्राप्त करना आस्विवाह कहलाता था। नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट छात्रगण, प्रजापत्य विवाह। लिखे बिना दहेज के या बिना
किसी मांग के वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के साथ किया गया आदर्श विवाह, आदर्श विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता था, प्रजापत्य विवाह कहलाता था, प्रजापत्य विवाह कहलाता था। यह विवाह की सर्वोत्तम श्रेणी थी, विवाह की सर्वोत्तम श्रेणी थी, अर्थात यह सबसे उत्कृष्ट प्रकार का विवाह था, सबसे उत्कृष्ट प्रकार का विवाह था। छतगण, क्या सवाल आएंगे गौर कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। छतगण, वैदिक काल में विवाह की दो पद्धतियां थी छतगण, एक थी अनुलोम विवाह, एक था प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था छतगण? उच्च वर्ण का व्यक्ति, उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की कन्या के साथ यदि विवाह करता था तो इसे अनुलोम विवाह कहते थे। छतगण, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता था? उच्च वर्ग का पुरुष यानी ब्राह्मण वर्ग का पुरुष यदि निम्न कुल की कन्या शूद्र कन्या के साथ विवाह करता था तो इसे अनुलोम विवाह कहते थे। छतगण, प्रतिलोम विवाह बिल्कुल इसका उल्टा था छतगण, उच्च कुल की महिला निम्न कुल के पुरुष के साथ विवाह करती थी, उच्च वर्ण की महिला, उच्च वर्ग की महिला निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती थी, जैसे ब्राह्मण कुल की महिला शूद्र कुल के पुरुष के साथ विवाह करती थी, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। छतगण, दोनों क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, पहले निकाह आपकी होनी चाहिए। एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें। छतगण पूछेगा, वैदिक काल में उच्च वर्ण के पुरुष के द्वारा निम्न वर्ण की कन्या के साथ किया गया विवाह को आप किस विवाह की श्रेणी में रखेंगे? तो यह कहलाएगा अनुलोम विवाह। वैदिक काल में निम्न वर्ण के पुरुष के द्वारा उच्च वर्ग की कन्या के साथ किया गया विवाह को आप किस श्रेणी में लिखेंगे? प्रतिलोम विवाह। यदि एक ब्राह्मण पुरुष एक शूद्र महिला के साथ विवाह करता था तो इसे कौन सा विवाह कहा जाता था? अनुलोम विवाह। यदि एक ब्राह्मण महिला शूद्र पुरुष के साथ विवाह करती थी तो इसे कौन सा विवाह कहा जाता था? प्रतिलोम विवाह। छतगण, अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विवाह को आपको याद रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह की ये दो श्रेणियां हैं, लेकिन छतगण जब विवाह के प्रकार में हम लोग आते हैं तो विवाह के चार अच्छे प्रकार हैं, चार बुरे प्रकार हैं, चार प्रशंसनीय विवाह हैं, चार निंदनीय विवाह हैं। तो पहले आपने लिखा है अभी चार प्रशंसनीय विवाह के बारे में, चार अच्छे प्रकार के विवाह के बारे में। छतगण, चार अच्छे प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है छतगण ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में सुयोग की कन्या के साथ किया गया विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता था, लेकिन इस विवाह में छतगण दहेज का लेन देन चलता था। ब्रह्म विवाह में समान वर्ण की कन्या से विवाह होता था लेकिन दहेज का लेन देन चलता था, है ना, ब्रह्म विवाह में ध्यान रखेंगे। दूसरा है छतगण दैव विवाह, छतगण यज्ञ करने वाले पुरोहित आए, यजमान को लगा, जिन्होंने यज्ञ का आयोजन किया है उन्हें लगा कि पुरोहित काफी सुंदर सुशील जानकार विद्वान व्यक्ति हैं, तो छतगण वह पुरोहित से पूछते थे कि आप विवाहित हैं? पुरोहित कहते थे नहीं, मैं विवाहित नहीं हूं, मैं अविवाहित हूं। यजमान पूछते थे, मेरी एक कन्या है, बहुत ही सुशील है, सुसंस्कृत है, पढ़ी लिखी है, सभ्य है, कि आप इससे विवाह करना चाहेंगे? पुरोहित को कन्या दिखाई जाती थी, पुरोहित को यदि कन्या पसंद आ जाती थी तो यह विवाह उस काल में दैव विवाह के नाम से प्रचलित था। पूछेगा छात्रगण क्वेश्चन, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का किया गया विवाह कौन सा विवाह कहलाता था? दैव विवाह, ध्यान रखेंगे छात्रगण। छात्रगण तीसरा विवाह है आस विवाह, यह अजीबो गरीब विवाह छात्रगण, है ना। इसमें क्या किया जाता था? वर पक्ष
एक जोड़ा गाय या एक जोड़ा बैल लेकर कन्या पक्ष के पास जाता था और विनती करता था कि आप मेरे पुत्र के साथ अपने पुत्री का विवाह कर दें। दोनों में देखना होता था, वर पक्ष और कन्या पक्ष एक दूसरे को देखते थे और यदि बात जम जाती थी तो यह विवाह होता था और इसी विवाह को आस विवाह कहते थे। पूछेगा, वैदिक काल में वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के समक्ष एक जोड़ा गाय या बैल भेंट स्वरूप देकर किया गया विवाह कौन सा विवाह कहलाता था? आस विवाह। कई बार पूछा जा चुका है छात्रगण, डीवीआई कर देंगे। प्रजापति विवाह क्या था छात्रगण? यह एक आदर्श विवाह था, एक आइडियल मैरिज था, यह सर्वोत्तम विवाह था, अच्छे में भी सबसे अच्छा, गुड बेटर बेस्ट था, यह सर्वोत्तम विवाह था छात्रगण। प्रजापति विवाह जो कि सर्वोत्तम विवाह के श्रेणी में आता है, क्या था यह विवाह छात्रगण? इसे भी ध्यान देंगे और इसे भी गौर करेंगे, इसे भी याद रखेंगे छात्रगण। प्रजापति विवाह जो था वह विवाह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार था छात्रगण। बिना दान दहेज के लड़की के पिता से, लड़की के सगे संबंधियों से वर पक्ष द्वारा कुछ भी मांग नहीं किया जाना और बिना दान दहेज के किया गया विवाह एक आदर्श विवाह के रूप में था, जिसे प्रजापति विवाह कहा जाता था छात्रगण। यह सबसे आदर्श विवाह कहलाता था, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, मनन करना होगा, स्मरण करना होगा और याद रखना होगा छात्रगण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त रूप से आता है। तो विवाह के ये चार अच्छे प्रकार हैं छात्रगण, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा और इसे याद रखना होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे छात्रगण विवाह के चार निंदनीय प्रकार, चार बुरे प्रकार कौन कौन से थे, इसको जो है इसके बाद के जो है टॉपिक में हम लोग जानेंगे। अभी आपने पढ़ा है अच्छे प्रकार के विवाह, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह भी आप जान चुके हैं। उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की महिला, कौन सा विवाह था? अनुलोम विवाह। निम्न कुल का पुरुष उच्च कुल की महिला, कैसा विवाह था? प्रतिलोम विवाह, ध्यान रखिएगा, है ना छत्गन। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न कुल की महिला, अनुलोम विवाह। उच्च वर्ण की महिला निम्न कुल का पुरुष, प्रतिलोम विवाह। और चार अच्छे प्रकार के विवाह छात्रगण, ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में सुयोग्य कन्या के साथ किया गया विवाह, दैव विवाह, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ किया गया विवाह, आस विवाह, कन्या के पिता को एक जोड़ा गाय या बैल वर पक्ष के द्वारा देकर अनुरोध पूर्वक किया गया विवाह, प्रजापति विवाह बिना दान दहेज के सुयोग्य कन्या के साथ किया गया एक आदर्श विवाह, जो कि विवाह का सर्वोत्तम प्रकार था। पूछेगा, अच्छे प्रकार के विवाह में, प्रशंसनीय विवाह में सबसे अच्छा विवाह कौन सा था छत्रगण? ये सबसे अच्छा विवाह था जिसका नाम था प्रजापति विवाह, सर्वोत्तम विवाह था, सबसे उत्कृष्ट विवाह था प्रजापति विवाह। बिना दान दहेज के सुयोग्य कन्या के साथ बहुत ही मधुरता के साथ, बिना किसी मांग के किया गया विवाह, जो कि आज के समय में भी प्रासंगिक है, जरूरी है छात्रगण, है ना। दान दहेज और दहेज लेना और देना दोनों अपराध है छात्रगण, यह इस विवाह का संदेश होता था। आइडियल मैरिज छात्रगण ये प्रजापति विवाह था, ध्यान रखेंगे छात्रगण। तो उसके बाद हम लोग छात्रगण जानेंगे निंदनीय विवाह या बुरे प्रकार के विवाह, है ना, ध्यान दीजिएगा इस चीज को छात्रगण। अच्छे प्रकार के विवाह में सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था प्रजापति विवाह। अब हम लोग आएंगे बुरे प्रकार के विवाह या निंदनीय विवाह कौन कौन से थे छात्रगण, ध्यान रखिएगा, लिखेगा। नंबर एक, बुरे प्रकार के विवाह, हेडिंग बनाएगा छात्रगण, बुरे प्रकार के विवाह। ये भी चार प्रकार के थे छात्रगण। विवाह के नाम से आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट हंसी आ जाती है ना। शादी एक ऐसा लड्डू है, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। तो लोग यह सोचते हैं कि क्यों ना खा करके पछताया जाए, है ना छात्रगण। विवाह टॉपिक चल रही है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, चमक है, दमक है, खुशी है, मैं इस चीज को महसूस कर रहा हूं, है ना छात्रगण। अब लिखिएगा बुरे प्रकार के विवाह, अच्छे प्रकार के विवाह के बाद लिखिए, ये भी चार प्रकार के थे, ये भी चार प्रकार के थे। प्रकार के थे नंबर एक, असुर विवाह,
असुर विवाह लिखे। इस विवाह के तहत कन्या को खरीद कर उसका मूल्य चुकाकर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। नेक्स्ट, गंधर्व विवाह। देखिए, माता पिता की मर्जी के बिना प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। यह गुप्त रूप से वर एवं कन्या द्वारा किया गया विवाह था। गुप्त रूप से वर एवं कन्या द्वारा किया गया विवाह था। गुप्त रूप से वर एवं कन्या द्वारा किया गया विवाह था। नेक्स्ट, अगला लिखेंगे छतगण, राक्षस विवाह। लिखिए, कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। नेक्स्ट, पैसाच विवाह। देखिए, सोए हुए अवस्था में नशे में कन्या के साथ बलपूर्वक एवं छल पूर्वक किया गया विवाह पैसाच विवाह था। मानसिक रूप से विक्षिप्त कन्या के साथ या विवाह किया जाता था तथा इस विवाह में घृणित कार्य किए जाते थे। यह
बुरे में सबसे बुरा, बुरे में सबसे बुरा एवं सबसे निंदनीय विवाह कहलाता है। निंदनीय विवाह कहलाता है। छतगण ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जबरदस्त रूप से यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। चार प्रकार के छतगण आपने अच्छे विवाह पढ़े, दैव विवाह, आस विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह। जहां अच्छाई है छतगण, वहां बुराई भी मौजूद रहती है ना। देवता हैं तो दानव भी रहते हैं, तभी देवताओं का महत्व बढ़ जाता है। छतगण, समाज में यदि अच्छे प्रकार के विवाह थे तो बुरे प्रकार के भी विवाह थे। छतगण, इनकी संख्या भी चार थी। छतगण, बुरे प्रकार के विवाह कौन कौन से थे उसे भी जानेंगे। छतगण, बुरा प्रकार के जो विवाह थे, बुरे प्रकार के जो विवाह थे, उनमें पहला बुरे प्रकार का जो विवाह था छतगण, वह विवाह था असुर विवाह। क्या था छतगण ये? इसके तहत कन्या का बोली लगाकर, अर्थात कि कन्या को उसके पिता से खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। छतगण, किसी गरीब पिता की बेटी है, सुंदर है, खूबसूरत है, वर पक्ष गया, पिता की मजबूरी का फायदा उठा लिया, बोली लगा लिया, बोले बोलिए कितना पैसा दें, इतना पैसा दिया आपको, कन्या से शादी कर लिया, ये कहलाता था छतगण। कैसा विवाह? असुर विवाह, क्रय विवाह भी इसको कहते थे। ध्यान रखिएगा छतगण, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। वैदिक काल में कन्या को खरीद कर, कन्या की बोली लगाकर वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष के साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? असुर विवाह कहलाता था छतगण, ध्यान रखिएगा। दूसरा विवाह क्या था छतगण? गंधर्व विवाह, जिसे लव मैरिज आज के जमाने में कहते हैं। छतगण, लव मैरिज को उस समय भी मान्यता नहीं थी, आज भी मान्यता नहीं है छतगण, समाज इसे मान्यता नहीं देता है। माता पिता की मर्जी के बिना गुप्त तरीके से लड़के लड़की भाग करके विवाह करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं। छतगण, जिस माता पिता ने आपको इतने मुश्किल से जन्म दिया, 9-9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, पालन पोषण किया, अपने खुशियों का त्याग किया, आधा पेट खा करके आपके उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए उन्होंने त्याग तपस्या बलिदान में कोई कसर नहीं छोड़ा, और जब आप बड़े हो जाते, युवा हो जाते हैं, तो आप ही अपने कुकृत्यों के द्वारा उनके मुंह पे कालिख पोत देते हैं, भाग जाते हैं और भाग कर विवाह कर लेते हैं, क्या गुजरती होगी उन पर आप सोचिए। समाज उन्हें कितना दुखाता है, देखो किनके पिता जाने जा रहे हैं, उकरे ना लड़कवा भाग गए हो उस लड़की के साथ, अरे किसकी माँ जा रही है जी, अरे एक ना लड़की भाग गए हो उस लड़कवा के साथ, अरे क्या बोलियो, माता पिता इतना सीधा और लड़का लड़की ऐसा निकल गए हो, संस्कारहीन क्या बीतेगा छतगण। इसलिए छतगण, मैं इस माध्यम से आपको संदेश देना चाहूंगा कि कभी भी माता पिता की मर्जी के बिना छतगण विवाह न करें। माता पिता से बड़ा इस पृथ्वी में भगवान और देवता कोई नहीं है, आपको उनकी मर्जी के अनुसार ही विवाह करना चाहिए, और वो जब भी आपके लिए योग्य वर ही खोजेंगे। छतगण, कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरे पुत्र या पुत्री का भविष्य बर्बाद हो, इसलिए छतगण योग्य वर माता पिता की सहमति से ही आप विवाह करें, ये सबसे श्रेयस्कर होता है, सर्वश्रेष्ठ आपका जो है एक निश्चय और एक फैसला होता है, ध्यान रखेंगे। छतगण, राक्षस विवाह, इसमें छतगण कन्या का अपहरण करके किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता था। कन्या को किडनैप कर लिया जाता था, सोचिए अपहरण हो जाती थी कन्या का और उसका विवाह किया जाता था, इसे क्या कहते थे छतगण? राक्षस विवाह कहा जाता था। कन्या का अपहरण कर किया गया विवाह कौन से विवाह के नाम से प्रसिद्ध था छतगण? राक्षस विवाह के नाम से प्रसिद्ध था। कन्या का अपहरण कर किया गया विवाह क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था। इसे भी छतगण आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी गौर करना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। छतगण, दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी होगी, याद रखना होगा, मनन करना होगा और एक चीजों को गौर करना होगा। छतगण, पैसाच विवाह, छतगण जिस प्रकार प्रजापति विवाह विवाह में सर्वश्रेष्ठ था, गुड बेटर बेस्ट था,
अच्छे में भी सबसे अच्छा था, ठीक उसी प्रकार पैसाच विवाह बुरे में भी सबसे बुरा विवाह था छतगन, सबसे निंदनीय विवाह था छतगन। क्या थी इसमें निंदनीय बातें जिसे आपको गौर करना है छतगन? पैसाच विवाह की सबसे निंदनीय बात यह थी कि छतगन यह विवाह जो होता था कन्या के साथ, सोई हुई कन्या के साथ बलपूर्वक एवं छल पूर्वक गलत घृणित कार्य करके किया गया विवाह, मानसिक रूप से विक्षिप्त कन्या के साथ, सोई हुई कन्या के साथ बलपूर्वक या छल पूर्वक घृणित कार्य के द्वारा किया गया विवाह पैसाच विवाह था छतगन। यह विवाह का बहुत ही निकृष्ट रूप था, घृणित रूप था, इसलिए इसे सबसे खराब विवाह कहा गया है, सबसे बुरा विवाह कहा गया है। पूछेगा बुरे प्रकार के विवाह में सबसे बुरा विवाह कौन सा था? ऑप्शन में देगा असुर विवाह, दूसरा देगा गंधर्व विवाह, तीसरा देगा राक्षस विवाह, चौथा देगा पैसाच विवाह। तो छात्रगण किसे आप लगाइएगा? पैसाच विवाह। गौर कीजिएगा, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, जबरदस्त रूप से आता है। तो छात्रगण ये बुरे प्रकार के चारों विवाह के मुख्य बातें, अच्छे प्रकार के चारों विवाह की मुख्य बातें आपको याद रखनी होगी, मनन करना होगा, अध्ययन करना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को गौर करना होगा, एक एक चीजों को स्मरण करना होगा, ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएं तो कहीं भी दिक्कत ना हो, कहीं भी मुश्किलों का सामना आपको छात्रगण नहीं करना पड़े। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, इस चीज को गौर करना होगा, इस चीज को आपको छात्रगण मनन करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण, है ना। अब हेडिंग बनेगा छात्रगण अपने नोट्स कॉपी में, ऋग्वैदिक काल के बाद हम लोग आएंगे छात्रगण उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, काल हेडिंग बनेगा अपने नोट्स कॉपी में, लाल पीला हरा, लाल या हरा कलम से, पीला नीला तो नहीं लाना है ना, लाल या हरा उत्तर वैदिक काल लिखे। इस सभ्यता का कार्यकाल, इस सभ्यता का कार्यकाल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था, 1000 से 600 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल, काल की राजनीतिक अवस्था, अवस्था निम्न थी, निम्न थी, देखिए तीर का निशान। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, राजा का पद वंशानुगत हो गया लिखे। इस काल में पहली बार बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है, राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है, मिलता है। नेक्स्ट, राज्य के मुख्य पदाधिकारियों को लतनिन कहा जाता था, लतनिन कहा जाता था। नेक्स्ट, सेनापति को सेनानी तथा गांव के प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था,
कहा जाता था। नेक्स्ट, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार विभिन्न दिशाओं के राजाओं को अलग अलग नाम दिया गया था, अलग अलग नाम दिया गया था जो निम्न है। देखिए, पूर्व दिशा के राजा को सम्राट कहा जाता था। क्वेश्चन आ चुका है छात्र, पूर्व दिशा के राजा को सम्राट कहा जाता था। नंबर दो, पश्चिम दिशा के राजा को स्वराट स्वराट कहा जाता था स्वराट कहा जाता था। नेक्स्ट, उत्तर दिशा के राजा को विराट कहा जाता था। उत्तर दिशा के राजा को विराट कहा जाता था। नेक्स्ट, दक्षिण दिशा के राजा को भोज कहा जाता था। नेक्स्ट, मध्य क्षेत्र के राजा को राजा कहा जाता था। नेक्स्ट, राजा अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए निम्न यज्ञ करता था। राजा अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए निम्न यज्ञ करता था। नंबर एक, राजसूय यज्ञ देखिए, यह राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाता था नेक्स्ट, अश्वमेघ यज्ञ देखिए, राजनीतिक एवं साम्राज्य विस्तार हेतु यह यज्ञ किया जाता था जिसमें एक घोड़े को सजाकर छोड़ दिया जाता था तथा वह घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में जाता था
जाता था। उन क्षेत्रों जाता था उन क्षेत्रों में घोड़े के पीछे उस राज्य के सैनिक भी जाते थे। यदि कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसे सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। नेक्स्ट छदगन अगले यज्ञ का नाम लिखेंगे, वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ लिखे। इस यज्ञ में रथों की दौड़ होती थी, तथा जिस राजा का रथ जीत जाता था वह सबसे शक्तिशाली माना जाता था यह यज्ञ शौर्य प्रदर्शन तथा प्रजा के मनोरंजन के लिए 17 दिनों तक आयोजित किया जाता था। नेक्स्ट अग्निस्टोम यज्ञ। अग्निस्टोम यज्ञ लिखे, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। यह 1 दिन तक चलता था तथा इस यज्ञ को करने वाले राजा एवं रानी को अर्थात पति एवं पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जीने का संकल्प लेना पड़ता था। सात्विक जीवन जीने का संकल्प लेना पड़ता था। छदगन ये 4 प्रकार के यज्ञ थे जो आपको ध्यान देने होंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। पैनी निगाहें आपको रखनी होगी और एक चीजों को ध्यान देना होगा। राजसु यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर छात्रगण किया जाता था, याद रखिएगा, है ना। पूछेगा सिंहासन रोहन के समय राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा यज्ञ किया जाता था, राजसु यज्ञ, है ना। दूसरा छात्रगण अश्वमेध यज्ञ, भगवान राम ने भी किया था छात्रगण, उसमित सुंग ने भी किया था,
अन्य कई राजाओं ने भी किया था। अश्वमेध यज्ञ में आपने देखा है रामायण में छतगण, है ना, कि कैसे घोड़े को सजा सवार करके छत्र लगा करके छोड़ दिया जाता था और उसके पीछे सैनिक चलते थे। वह घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों में जाता था वह क्षेत्र उस राजा के अधीन होता जाता था और उस क्षेत्र के राजा उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि विशाल फौज होती थी, विशाल सेना होती थी पीछे पे। छतगण, जो कोई भी इस घोड़े को पकड़ लेता था उसे राजा की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। आपको याद होगा लवकुश ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ के रथ को पकड़ लिया था और उन्हें युद्ध करना पड़ा था। शत्रुघ्न अश्वमेध यज्ञ का जो सेना थी उसका सेनापति था, वही संचालन कर रहा था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सबसे छोटा भाई शत्रुघ्न जो कि घायल हो गया था लवकुश के बाणों से, ध्यान रखिएगा छतगण। ये सब मैथोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं कि भगवान राम द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ में सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न कर रहे थे, है ना, जो कि लवकुश के बाणों से घायल हो गए थे। छतगण ध्यान दीजिएगा, छतगण अश्वमेध यज्ञ के बाद वाजपेय यज्ञ जिसमें रथों की दौड़ होती थी, घोड़ दौड़ होती थी, 17 दिनों तक चलता था प्रजा के मनोरंजन के लिए, शक्ति के प्रदर्शन के लिए, शौर्य के प्रदर्शन के लिए। जिस राजा का रथ जीत जाता था अन्य राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे और मान लेते थे कि तुम सबसे शक्तिशाली हो। रथों की दौड़ होती थी, पूछेगा किस यज्ञ में रथों की दौड़ होती थी? छतगण ध्यान रखिएगा, वाजपेय यज्ञ में। कौन सा यज्ञ 17 दिनों तक चलता था? वाजपेय यज्ञ 17 दिनों तक चलता था छतगण, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। छतगण अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं की स्तुति के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए किया जाता था, यह एक दिन के लिए चलता था और अग्निष्टोम यज्ञ करने वाले दंपत्ति को एक वर्ष तक सभी इंद्रियों को वश में रखते हुए सादा जीवन, सात्विक जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना पड़ता था। तो छतगण ये चार प्रकार के यज्ञ और उनकी विशेषताओं को आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वमेघ, राजसूय, अग्निष्टोम, वाजपेय, बहुत ही हिट क्वेश्चन है छतगण, पहली निगाह में आपकी चाहता हूं। तो याद रखिएगा छतगण, वाजपेय यज्ञ कितने दिनों तक चलता था? 17 दिनों तक। क्या होता था इसमें? रथों की दौड़। अश्वमेघ यज्ञ में घोड़े छोड़ा जाता था, है ना, और सैनिक इसके पीछे चलते थे। राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सा यज्ञ होता था छतगण? बताइए, राजसूय यज्ञ होता था, है ना, और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्निष्टोम यज्ञ होता था, याद रखेंगे छतगण। तो आज छतगण कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, पुनः कल आप लोगों से मुलाकात होगी। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक एवं धार्मिक दशा, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजों को हम लोग डिटेल्स में जानेंगे और अगले क्लासेस में हम लोग उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तृत जानकारियां प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं।